हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमने हिंदी में ऑलरेडी रिवीजन स्टार्ट कर दिया है, तो आपको फर्स्ट वीडियो में गद्य विभाग के फिलिंग द ब्लैंक्स और वन लाइन आंसर, हाँ, उसका वीडियो आ गया है। आज हम गद्य विभाग के 4-5 वाक्य में उत्तर करेंगे, जो है लेसन 5, 6 और 8 के। सेक्शन ए गद्य विभाग, 4-5 वाक्यों में उत्तर, चैप्टर नंबर 5, 6 एंड 8। फर्स्ट क्वेश्चन है, मार्ग में हिमालय अड़ने, डरावनी लहरों की थपेड़े मारने, नाविकों के सो जाने से क्या अभिप्राय है। क्वेश्चन समझना फिर आंसर लिखना अच्छे से। हाँ, तो इसका आंसर होगा, रानी लक्ष्मीबाई को अपनी प्यारी झांसी शत्रुओं के हाथ चले जाने का दुख है, स्वराज्य की मंजिल हर बार पास आकर चली जाती है। रानी स्वराज्य को पास आते देखती है, पर तभी हिमालय जैसी बाधाएं बीच में आती है। ये बाधाएं पार करती है तो उनके सामने महासागर आकर खड़ा रह जाता है, और उन्हें पाकर पार करना चाहती है, पर क्या देखती है कि नाविक सो रहे हैं और विलासिता में डूबे हैं। उनके साथी तात्या, राव साहब, बांदा के नवाब आदि, ये सब, हाँ, जो विलासिता में डूबे कौन कौन है, तो तात्या, राव साहब और बांदा के नवाब। एक बार वापस से रिपीट करती हूँ, रानी लक्ष्मीबाई को अपनी प्यारी झांसी शत्रुओं के हाथ चले जाने का दुख है, स्वराज्य की मंजिल हर बार पास आकर चली जाती है। फिर रानी स्वराज्य को पाकर आते देखती है, पर तभी हिमालय जैसी बाधाएं बीच में आती है। ये बाधाएं पार करती तब उनके सामने महासागर आकर खड़ा रहता है, और उन्हें पार करना चाहती है तो नाविक सो रहते हैं और विलासिता में डूबे हुए हैं। सेकेंड है, रानी लक्ष्मीबाई देशभक्ति की एक अद्भुत मिसाल थी, समझाइए। तो रानी लक्ष्मीबाई हमारे इतिहास का एक अत्यंत तेजस्वी चरित्र है, स्वराज्य ही उनका अंतिम लक्ष्य है। स्वराज्य के लिए वे बड़े से बड़े बलिदान देना चाहती है, वे स्वराज्य की नींव बनने में ही जीवन धन्य मानते हैं। उन्हें राग रंग से नफरत है, उन्हें सैनिक की वीरता कलंकित न होने की चिंता है। रानी लक्ष्मीबाई देशभक्ति की मिसाल थी। रिपीट करती हूँ स्टूडेंट, रानी लक्ष्मीबाई हमारे इतिहास का एक अत्यंत तेजस्वी चरित्र है, स्वराज्य ही उनका अंतिम लक्ष्य है। स्वराज्य के लिए वे बड़े से बड़े बलिदान देना चाहती है, वे स्वराज्य की नींव बनने में ही जीवन धन्य मानते हैं। उन्हें राग रंग से नफरत है, उन्हें सैनिकों की वीरता कलंकित न होने की चिंता है। रानी लक्ष्मीबाई देशभक्ति की एक मिसाल थी। हाँ, आया समझ में। थर्ड है, स्वराज्य की नींव शीर्षक कहाँ तक सार्थक है, मतलब क्यों सही है। तो सन 1857 का सैनिक विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। उसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जूही, मुंदर, तात्या टोपे आदि ने देशभक्ति का परिचय दिया है। इन सब ने अपना बलिदान देकर स्वराज्य की नींव के पत्थर बन गए। इस गद्य के सभी पात्रों के बलिदान पर ही भारत देश के स्वराज्य की नींव खड़ी है, इसलिए स्वराज्य की नींव शीर्षक सार्थक है। रिपीट करती हूँ, सन 1857 का सैनिक विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। उसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जूही, मुंदर, तात्या टोपे आदि ने देशभक्ति का परिचय दिया है। इन सब ने अपना बलिदान देकर स्वराज्य की नींव के पत्थर बन गए। इस गद्य के सभी पात्रों के बलिदान पर ही भारत देश के स्वराज्य की नींव खड़ी है, इसलिए स्वराज्य की नींव शीर्षक, इस चैप्टर का ना शीर्षक
सार्थक है मतलब सही है। अब चैप्टर 6 है मेरी बीमारी श्यामा ने ली। लेखक बीमारी में भी क्यों काम करते थे? तो इसका आंसर है लेखक की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। घर का खर्चा निकालने के लिए वे स्कूल में पढ़ाते थे और ट्यूशन करते थे। आराम करने से वे ये दोनों काम नहीं कर सकते थे। हाँ इतना है, मैं रिपीट करती हूँ। लेखक की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। घर का खर्चा निकालने के लिए वे स्कूल में पढ़ाते थे और ट्यूशन करते थे। आराम करने से भी ये दोनों काम नहीं कर सकते थे। बिना आमदनी के घर कैसे चलता? छोटे भाई सालिग्राम की आमदनी भी अधिक नहीं थी। महंगी दवाएं भी उनके लिए सिर दर्द थी। इसलिए मजबूरी में बच्चन जी बीमारी में भी काम करते थे। हाँ इतना आधा रिपीट मैंने कर लिया था, आधा भी करती हूँ कि बिना आमदनी के घर कैसे चलता। छोटे भाई सालिग्राम की आमदनी भी अधिक नहीं थी। महंगी दवाएं भी उनके लिए सिर दर्द थी। इसलिए मजबूरी में बच्चन जी बीमारी में भी काम करते थे। सेकंड है लेखक की बीमारी सुनकर श्यामा कांप कर तुरंत क्यों संभल गई? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर मुखर्जी ने बच्चन जी को क्षय यानी कि तपेदिक की बीमारी ऐसा कहा, ये सुनकर श्यामा कांप उठी। फिर उन्होंने सोचा कि उनका कांपना बच्चन जी सह नहीं सकेंगे। अपने पति के भावुक स्वभाव से वो भली भांति परिचित थी, इसलिए फिर वो कांप कर तुरंत संभल गई। रिपीट करती हूँ स्टूडेंट्स, डॉक्टर मुखर्जी ने बच्चन जी को क्षय की बीमारी है ऐसा कहा, ये सुनकर श्यामा कांप उठी। फिर उन्होंने सोचा कि उनका कांपना बच्चन जी के लिए सही नहीं, मतलब अगर वो कांपेगी तो बच्चन जी सह नहीं सकेंगे। अपने पति के भावुक स्वभाव से वो भली भांति परिचित थी, इसलिए फिर वो संभल गई। थर्ड है लेखक को ऐसा क्यों लगा कि उन्हें श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए? तो इसका आंसर होगा बीमारी में लेखक को कर्ज चुकाने की चिंता खाए जा रही थी। उन्होंने अपने आप को मरने के लिए ही छोड़ दिया था। फिर उन्हें ख्याल आया कि वैसे भी श्यामा के लिए उन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं था और ऊपर से ये कर्जा भी उसको भरना पड़ेगा, यानी कि श्यामा को भरना पड़ेगा। ये लेखक को उचित नहीं लगा। उन्होंने ऐसा करके अपने आप को अपराधी बना देंगे यह सोचकर लेखक को लगा कि श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। वापस से रिपीट करती हूँ, बीमारी में लेखक को कर्ज चुकाने की चिंता खाए जा रही थी। उन्होंने अपने आप को मरने के लिए ही छोड़ दिया था। फिर उन्हें ख्याल आया वैसे भी श्यामा के लिए उन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं था और ऊपर से ये कर्जा भी उसको भरना पड़े, ये लेखक को उचित नहीं लगा। उन्होंने ऐसा करके अपने आप को अपराधी बना देंगे यह सोचकर श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए, ऐसा सोचा उन्होंने। फिर नेक्स्ट है बच्चन जी की पारिवारिक आर्थिक विपन्नता के बारे में अपने विचार प्रकट कीजिए। तो पत्नी श्यामा के साथ बच्चन जी का जीवन संघर्षमय था। आय के कोई खास साधन नहीं थे। हाँ क्या था, श्यामा के साथ संघर्षमय जीवन था और इनकम भी कम थी। वे स्कूल में पढ़ाते थे, ट्यूशन करते थे, अपनी किताबों से भी कुछ पैसे मिल जाते थे, फिर भी खर्च पूरा नहीं हो पाता था और उनके छोटे भाई सालिग्राम का वेतन भी कम था। बच्चन जी की बीमारी के बाद तो स्थिति और भी चिंताजनक हो गई थी। महंगी दवाएं खरीदना मुश्किल हो गया। पिता घर बेचकर पुत्र का इलाज करने की बात की सही समय पर इलाज न मिलने पर श्यामा की मृत्यु हो गई। इस प्रकार बच्चन जी की आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं थी। हाँ क्या था कि पत्नी श्यामा के साथ बच्चन जी का जीवन संघर्षमय था। आय के कोई खास मतलब इनकम के कोई खास साधन नहीं थे।
स्कूल में पढ़ाते थे, ट्यूशन करते थे, अपनी किताबों से भी कुछ पैसे मिल जाते थे, फिर भी खर्च पूरा नहीं हो पाता। और उनके भाई सालीग्राम का वेतन भी कम था। बच्चन जी की बीमारी के बाद तो स्थिति और भी चिंताजनक हो गई थी। महंगी दवाएं खरीदना मुश्किल हो गया। पिता ने घर बेचकर पुत्र का इलाज कराने की बात की थी। सही समय पर इलाज न मिलने पर श्यामा की मृत्यु हो गई। अब 8 चैप्टर गुलमर्ग की खिड़की की एक रात। उसके फर्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ऐसा क्यों कहता है कि गुलमर्ग को कभी पूरा देखा नहीं जा सकता? तो इसका आंसर है, गुलमर्ग में रहकर वहाँ के साथ व्यक्ति की आत्मीयता बहुत गहरी हो जाती है। यहाँ तक कि व्यक्ति अपने आप को वहाँ के सपाट मैदान का एक हिस्सा समझने लगता है। वहाँ के जिस परिसर में व्यक्ति रहता है वह उसके भीतर समा जाता है। आत्मीयता का कोई और छोर नहीं होता। इसलिए लेखक को लगता है कि गुलमर्ग को कभी पूरा देखा नहीं जा सकता। वापस से रिपीट करती हूँ स्टूडेंट्स, गुलमर्ग में रहकर वहाँ के साथ व्यक्ति की आत्मीयता बहुत गहरी हो जाती है। यहाँ तक कि व्यक्ति अपने आप को वहाँ के सपाट मैदान का एक हिस्सा समझने लगता है। वहाँ के जिस परिसर में व्यक्ति रहता है वह उसके भीतर समा जाता है। आत्मीयता का कोई इसलिए लेखक को लगता है कि गुलमर्ग को कभी पूरा देखा नहीं जा सकता। हाँ, आया समझ में? अब सेकंड क्वेश्चन है, दिन में गुलमर्ग की शोभा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो आंसर है, दिन में गुलमर्ग का हरा भरा रूप आँखों को मुग्ध कर देता है। धरती से लेकर आकाश तक हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। हरी घास के बीच तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। वातावरण में नई नई कोपले फूट आती है। सैलानी घुड़सवारी का आनंद लेते हैं, नजर आते हैं। हर क्षण नए अनुभव और रोमांच की सृष्टि होती है। आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे द्वीप तैरते दिखाई देते हैं। पगडंडियों भेड़ बकरियों के खेड़ों से ढक जाती है। इस तरह गुलमर्ग की शोभा है। वापस से रिटर्न करती हूँ, रिटर्न में बोलती हूँ वापस से, दिन में गुलमर्ग का हरा भरा रूप आँखों को मुग्ध कर देता है। धरती से लेकर आकाश तक हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। हरी घास के बीच तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। वातावरण में नई नई कोपले फूट आती है। सैलानी घुड़सवारी का आनंद लेते नजर आते हैं। हर क्षण नए अनुभव और रोमांच की सृष्टि होती है। आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे द्वीप तैरते दिखाई देते हैं। पगडंडियाँ भेड़ बकरियों के खेड़ों से ढक जाती है। इस तरह गुलमर्ग की शोभा है। हाँ, तो यहाँ पर आपका ये रिवीजन कंप्लीट होता है। सेक्शन ए के है चैप्टर नंबर 5, 6 and 8 चार पांच वाक्यों में उत्तर जो सेक्शन ए में है। अभी ये वीडियो यहाँ पे पूरा होता है। अस्तु।